कोहरे में हाईवे पर भिड़े 20 वाहन 30 से अधिक लोग हुए घायल, एक की मौत। आप देख रहे हैं फास्ट खबर। मौके पर दौड़ी पुलिस और आसपास के गांव के लोगों ने घायलों को वाहनों से निकालकर अस्पताल भिजवाया। हादसे में अमरोहा के गांव तोमड़ा निवासी रोहित सैनी 28 वर्ष की मौत हो गई। रोहित गुरुग्राम के एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और बाइक से ड्यूटी करने जा रहा था, जबकि करीब 30 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस के अनुसार सुबह के समय कोहरा काफी अधिक था, इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार रोहित को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पीछे से आए एक के एक बाद वाहन आपस में भिड़ते गए। सूचना पर SDM सदर सुनीता सिंह, CO सिटी अशोक सिसोदिया, बाबूगढ़ थाना प्रभारी निदेश विनोद कुमार पांडे समेत देहात और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घर वालों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दुर्घटना का कारण कोहरे के बावजूद तेज गति होना बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस, स्थानीय लोग और राहगीरों ने वाहनों में फंसे लोगों की मदद के प्रयास शुरू किया। कई वाहनों में लोग काफी देर तक फंसे रहकर मदद मांगते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर 7 एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां पहुंचा दी, जिनसे लोगों को समय रहते हुए अस्पताल भिजवाया गया।